पार्टी जिंदाबाद, आपको नाम का जितने लोग साथ जिंदाबाद, ये लोग मुंब्रा बाईपास से सटे अंबेडकर पाड़ा और वफा पार्क में ओपनिंग के कार्यक्रम में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट पहुंचे थे। आपको बता दें कि अंबेडकर पाड़ा में रेहान पीतलवाला के तरफ से पानी की टंकी की भूमि पूजन किया गया है, जहां गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट ने खुद नारियल फोड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि वफा पार्क में बुजुर्गों के लिए वाचनालय और पानी पियाऊ का ओपनिंग भी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभार ने किया है। आपको बता दें कि वफा पार्क में जो वाचनालय और पानी पियाऊ है, ये स्थानीय नगर सेवक फरजाना शाकिर शेख और अशीन राउत के तरफ से बनाया गया है। इस ओपनिंग कार्यक्रम के दौरान सैयद अली अशरफ भाई साहब और रेहान पीतलवाला, शाकिर शेख, इब्राहिम राउत ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। इस पे दो काम होगा, एक तो पानी की टंकी बनेगी और एक बच्चों के लिए बालवाड़ी, जो यहाँ पे स्कूल मौजूद नहीं है। हमारे रेहान भाई और नासिर भाई की कोशिशों से और आवाट साहब ने ये चीज़ को करके दिया है, तो हम एक स्कूल भी इसमें लाएंगे पानी की टाकी के अलावा, क्योंकि 15 घंटा है हमारे पास, जिसमें 10 घंटे के अंदर पानी की टाकी रहेगी और 5 घंटे के अंदर हम इसको बालवाड़ी और यहाँ के बच्चों को पढ़ने का, क्योंकि यहाँ के कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और यहाँ से स्कूल म्यूनसिपालिटी की मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर है, तो साक्षर ज़रूरी है ना, और पानी भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है और दोनों पे हमारा काम होगा और यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। क्या कहेंगे रे? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में, भाई साहब के मार्गदर्शन में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सारे जो ऑफिसर्स थे उनकी मदद से आज मैंने और नासिर भाई ने तकरीबन आज ये 1 साल की खसूसी मेहनत लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लैंड, फॉरेस्ट लैंड को हमने अप्रूवल करा के कलेक्ट्रेट से ले लिया। इसके अंदर कुछ 14 चीज़ें थी, जैसा कि कब्रस्तान है, शमशान है, पानी की टंकी, स्कूल, जिसके लिए अगर कोई भी ज़मीन ना रहे, TMC के पास ज़मीन ना रहे, कलेक्टर के पास ना रहे, महसूल के पास ना रहे, तो फॉरेस्ट वाले अपनी ज़मीन दे सकते हैं, और उसी मुहिम में डालकर आज हमने एक पानी की टंकी और एक आंगनवाड़ी यहाँ पर मंजूर करा ली है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बेहद इस बात की मुझे खुशी हो रही है कि इस वार्ड नंबर 32 के नगर सेविका आशीन इब्राहिम राउत और फरजाना शाकिर शेख, इनके प्रयासों से अलमास के नाके पर जो प्रवेश द्वार था बोर्ड का, उसका उद्घाटन हुआ। उसी के साथ साथ वफा पार्क के सामने जो कचरे का स्पॉट था, कचरे का स्पॉट को हमने उसको बंद करके वहाँ पर जो है वाचनालय और सीनियर सिटीज़न कट्टा, और उसी के साथ साथ जो है पानी का पनपोई का हमने जो है उद्घाटन किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पानी की सबसे ज़्यादा तकलीफ थी अलमास को वफा पार्क इस परिसर के अंदर पानी की जो टाकी थी उससे पानी का, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर पानी का फ़ायदा हुआ है, और कल से इंशाल्लाह जो है दो टाइम पानी की टाकी थी वो दो टाइम भरी जाएगी, और उसी के साथ जो है लोगों की जो पानी की समस्या जो है दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग आए थे, सारी सोसाइटी से हमने जिनको इन्फॉर्म किया था, जिनको दावत दी थी, सब लोग आए थे। मैं एक एक शख्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको बहुत दिल की गहराइयों से उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से कामयाब हुआ। मैं अमदा जितेंद्र अवार्ड साहब जो हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए, उसके साथ में हमारे अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान, सैयद अली भाई साहब, शमीम खान और सारे नगर सेवक, नगर सेविका, बहुत से लोग यहाँ पर आए थे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिस चीज़ के लिए इनॉग्रेशन किया था, मेन सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था पानी का, वो पानी के इनॉग्रेशन के लिए हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा था। उसमें अलमास कॉलोनी का प्रवेश द्वार, व्यापार पार्क में जो नागरिक कट्टा बना हुआ है, CCTV कैमरा लगा है, पेपर वाचनालय भी उसमें, और बहुत अच्छा है कि फिल्ट्रेशन पानी का प्लांट भी शाकिर भाई लोग हम लोग ने सब मिल के यहाँ पर लगाए, और आवाम का ऐसी हमको साथ दे में, जैसा आवाम ने हमको 2007 से 2012 2012 से 2017 2017 से 2022 तक हमको जैसा साथ दिया, मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 2022 में भी हम सबका साथ दे और हमको जैसा जिताया वैसी भी आगे हमारे को चुनाव में जिताया।